लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में हैं और नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा पूजन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भैरव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ प्रस्तावक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं, तीन अलग अलग सालों की। 2014 में जब नामांकन भरा था पीएम मोदी ने, उस दौरान की तस्वीर, 2019 की तस्वीर भी आप देख लीजिए और 2024 की यानी कि आज की तस्वीर भी आप देखिए, जब नामांकन दाखिल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। सबसे पहले मां गंगा का पूजन किया, काल भैरव का आशीर्वाद लिया और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे नामांकन भरने के लिए। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आस्था कौशिक हमारे साथ है और रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, जरा दिखाइए वहां पर कितना उत्साहित है काशीवासी, क्योंकि तीसरी बार उनके प्रिय नेता ने नामांकन भर दिया है और काफी खुशी दिखाई दी, हम सुबह से ही देख रहे हैं, काशीवासी काफी उत्साहित है। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरों की जुबानी काशीवासियों की जुबानी तस्वीरों की कहानी दिखाता हूं आपको। ये देखिए रुद्राज कन्वेंशन सेंटर है जहां कुछ देर में पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे और यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। लोग एक झलक पाने के लिए बेताब हैं और बात भी कर लेते हैं, कहा गुरु का माहौल हो ये बार काशी के, लगत हो मोदी के लिए बढ़े 400 पार एकदम। कल रोड शो में कैसा माहौल रहा? बहुत बढ़िया, 10 लाख आदमी की व्यवस्था था वहाँ, 10 लाख आदमी का। आप लोग युवा है, क्या लगा था बनारस का माहौल? बहुत 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 बढ़िया लगा था। हाँ। कोई कहल ना जा सका था कि कितना 400 पार तो आना तय है इनका। अच्छा, आ रहता है एकदम, कोई रोके वाला ना हो इनका, कोई रोके वाला ना हो, हमारे गुरु कोई रोके वाला ना हो, नहीं चाहे का माहौल है इस समय बनारस के, तो ना पर्चा भर देनी मोदी जी चुनाव मैदान में उतर गए, क्या हुई है बार? सब बढ़िया हुई भैया, सब बढ़िया हुई। हाँ। जीतिया मोदी जी? हाँ जीतियन जीतियन। तो ये देखिए, और यहाँ पर आप ये देखिए तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है, रूट को जीरो रूट करा लिया गया है, कुछ और भी लोग हैं भाई साहब, आपको क्या लगता है क्या माहौल है इस समय? माहौल जैसे पहले था वैसे अभी। तो मोदी का क्या लग रहा है इस बार? नहीं ऐसा नहीं है, टफ फाइट है। टफ फाइट है? अच्छा, आपको टफ फाइट लगता है। आपको क्या नाम, क्या नाम है? राहुल गुप्ता। राहुल, आपको क्या लगता है? फाइट टफ है इस बार। फाइट टफ है, तो कहाँ पर, देश में फाइट टफ की बात कर रहे हैं बनारस में? नहीं देश में, देश में बनारस के हम माहौल तो क्लियर है, बनारस से क्लियर है। 5 लाख से ऊपर आए, 5 लाख से ऊपर ऊपर है आपके पास, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो, इस बार रिकॉर्ड एकदम। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और आप ये देखिए कि इस वक्त मैं कुछ और भी लोगों से बात कर लेता हूं और तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं कि अब ये देखिए रूट को पूरी तरीके से जीरो कर दिया गया है और यानी कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। तो हमार काशी हमार मोदी काहे लिखवाए हुए भैया, का भाव है के मतलब हमार काशी हमार मोदी के? देखिए मोदी जी सबके लिए आदरणीय हैं, मोदी जी ने जो बनारस को संवारा है वो किसी ने आज तक नहीं संवारा है, इसलिए मोदी जी हमेशा से यहाँ के सांसद बने रहे हैं, दो बार तीन बार चार बार पांच बार सब बना रहे हैं और मोदी जी काशी को संवारते रहे, इसलिए हमार मोदी हमार काशी। अच्छा, हमार मोदी हमार काशी का मतलब मोदी को हम लोग दिल से अडॉप्ट किए हैं। मोदी ने कहा था, एक अपने पहले ही बार आए थे तो उन्होंने बोला था कि ना मैं आया हूँ ना बुलाया हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। तो वाकई मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया था और जितना उन्होंने मोदी ने बनारस के लिए किया है वो अपने आप में अतुलनीय है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, कन्वेंशन सेंटर भी उन्हीं का देन है और जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो आप जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, किसी की बात कर लें, जितना मोदी ने किया है, जितना रोड दिया है, जितना शौचालय दिया है, जितना इतना ज़्यादा उन्होंने हर जगह। यार ऐसे बोलिए ना, काम का गिनती नहीं कर सकते, बिल्कुल गिनती नहीं कर सकते। बनारस में बतियावा, बनारसी में बतियावा, काम की गिनती ना हो सका था? अरे हो सका था, हम सोच जानी था उनकर काम आम से ही मिली, कुछ भी जोड़ A to Z, नीचे से ऊपर तक चारों तरफ देख ले, अपने दिखाता
अब क्या बताइए, छका भी नहीं वो हमारे पास गिनती नहीं। अब जो मोदी बनारस का विश्वास, हमने के जितना विश्वास पैदा के लिए हुए, हमने के पता हो कि मोदी दूसरा क्यों ना हो सकत बनारस में। कुछ नहीं, देव रूपी हैं, देव रूपी, बस इतने जान ले, आगे न बोलो। हाँ, देव रूपी आज यहाँ कलयुग में, हाँ तभी बचेगा, नहीं बच नहीं पाएगा, ये जान ले। तो मोदी जी के आज आप लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं, तो क्या लगा था जिस तरीके से पर्चा भर दे लेन, तो इस बार लीड का रही? मुझे वन साइडेड है इलेक्शन, मोदी जी निर्विरोध, एक तरह से निर्विरोध के ये इलेक्शन जीत रहे हैं। अब जो सामने हैं वो खुद अपने मर्जी से हैं, खड़े पर्चे भरे हैं तो ठीक है भाई, यहाँ प्रजातंत्र है तो कोई भी पर्चे भर सकते हैं, लेकिन मोदी जी यहाँ से निर्विरोध इलेक्शन जीत रहे हैं। आप भी जाने थोड़ा नाम लिखा लेते हैं कि हम इलेक्शन लड़ा रहे हैं उनके सामने, बस और कुछ आनी जानी नहीं है। कोई है नहीं, कोई कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में नहीं। 400 पार। फोन मेरा कट गया, फोन पे। चलिए, हमारे दूसरे सहयोगी रामगोपाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जरा अपनी मौजूदगी बताइए, कहां पर हैं आप इस वक्त और क्या तस्वीर आप काशी की दिखा पाएंगे? नामांकन भर दिया है प्रधानमंत्री ने और अब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे जहां पर वो संबोधित भी करेंगे, तो जरा दिखाइए क्या तस्वीर है इस वक्त रामगोपाल। बिल्कुल, इस वक्त जो काफिला है वो काफिला लग चुका है, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां से निकलने वाले हैं कलेक्ट्रेट से। जो हलचल है वो हलचल बढ़ चुकी है, जो मुख्यमंत्री की अपनी गाड़ी थी, मुख्यमंत्री की गाड़ी भी आगे लगा दी गई है, यानी कि अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे, सुरक्षा एजेंसियाँ जो है, सुरक्षा के जो जवान है, SPG के जवान है, वो सक्रिय। और अब देखिए, धीरे धीरे जो लोग हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब यहां से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़े। देखिए, कलेक्ट्रेट से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब निकल चुके हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री अब निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अब वो मेन गेट के जिधर से उन्होंने एंट्री की थी उस गेट की तरफ आएंगे और गाड़ी का आप देखिए कि गाड़ी लगी हुई है और उसी गाड़ी में प्रधानमंत्री यहाँ पे बैठेंगे, लोगों को अभिवादन स्वीकार करेंगे और अभिवादन स्वीकार प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह। तो ये देख सकते हैं आप, NDA के तमाम सहयोगी दलों के नेता भी और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता आप प्रधानमंत्री के साथ देख सकते हैं। तो यहां से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए कलेक्ट्रेट से निकलते हुए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को, गृहमंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम वो बड़े चेहरे जो NDA के घटक दल के भी बड़े नेता हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, क्योंकि 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां पर बुलाया गया था, 20 केंद्रीय मंत्री और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तमाम वो बड़े नेता आज एक मंच पर नजर आए। NDA की एकता भी कहीं ना कहीं देखने को मिली और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने जब तीसरी बार नामांकन भरा तो तमाम सहयोगी दल भी उनके साथ यहां पर नजर आए। सबसे बड़ा नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कि उन्होंने भर दिया है, अब कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकलते हुए आप देख रहे हैं। आस्था कौशिक हमारी सहयोगी वहीं पर मौजूद है, लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। आस्था, जरा दिखाइए वहां पर क्या तस्वीर देख पा रही है आप इस वक्त? प्रधानमंत्री निकल रहे हैं कलेक्ट्रेट से और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अब जाएंगे। शीनम, देखिए मूवमेंट हमारी रिस्ट्रिक्टेड है और ये इस बात का पूरा इशारा करता है कि बस काफिला आने ही वाला है यहाँ पे। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा किस तरह रस्सियों, ह्यूमन चेन्स और डंडों के माध्यम से पब्लिक को रोका गया है, हम लोगों को भी इसी तरफ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेकिन ये वही सड़क है जहां से काफिला होकर अंदर गया था, ये रास्ता पूरा कलेक्ट्रेट परिसर को जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा फ्रेम छोड़ दीजिए, सर थोड़ा फ्रेम छोड़ दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये काफिला निकलना शुरू हो गया है और जिस वक्त इस काफिले की एंट्री हुई थी सबसे पहले जो फ्लीट गया था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो अंदर आए थे। अब देखिए एक बार फिर से ये काफिला रवाना हो रहा है और ये जैमर व्हीकल है, ये प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकले हैं, पहले फ्लीट उन्हीं का अंदर गया और अब बाहर भी वो ही सबसे पहले आए हैं और अब काफिला प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ से बाहर आएगा।
और काशी वासियों का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा था। आप देखिए एक एक करके गाड़ियां रवाना हो रही हैं, हर कोई उन गाड़ियों के शीशों के अंदर सबसे पहले देख रहा है, सबके मोबाइल कैमरा ऑन है। लोगों की यही भावना है, वो जानते हैं तस्वीर नहीं खींच पाएंगे लेकिन वो कहते हैं कि हमने गाड़ी की तस्वीर खींच ली तो जूम करके देख लेंगे, प्रधानमंत्री कहीं तो नजर आएंगे। बहरहाल ये भावना है न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए बल्कि अपने सांसद के लिए भी, और ये संकल्प लोगों ने लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार जिताना है लेकिन जो मार्जिन है वो इस बार 10 लाख के पार जाना चाहिए। तो काशी यही नारा लगा रहा है, अब की बार 400 साढ़े 400 पार और यहां से 10 लाख वोटों के मार्जिन के पार। तो इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का, सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट, तस्वीरें आपके सामने हैं। और लोग जो हैं उनकी जो भावना इस कदर बेकाबू हो रही है कि वो एक एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, पुलिस हल्का बल प्रयोग करके उनको पीछे लाती है लेकिन लगातार डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकल चुके हैं, अब प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही क्षण में यहां से बाहर आते हुए नजर आएंगे। और देखिए भारत माता की जय के नारे लगने यहां पर हमें सुनाई दे रहे हैं, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद उनको फ्लीट दिख गया है। लोग जो भीड़ में आगे खड़े हैं उनको फ्लीट मुमकिन है दिख गया है, गाड़ी बस यहां पर आने ही वाली है लेकिन लोगों ने जी इससे पहले देखिए वो वार्निंग व्हीकल यहां से रवाना हुआ है, यानी अब प्रधानमंत्री का काफिला भी यहां पर पहुंचने वाला है। एक एक करके वो गाड़ियां जैसे ही मेरी आंखों के सामने से आएंगी ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला है। और ये पायलट व्हीकल है पूरे रास्ते पर, सिक्योरिटी का क्यों पीछे भेजते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का ये फ्लीट शुरू हो चुका है और देखिए एक एक करके ये व्हीकल रवाना हो रहे हैं। और ये स्टिल कैमरा जहां से सारी तस्वीरें ली जाती है उनका व्हीकल, लोगों का शोर सुनिए आप, शोर सुनिए प्रधानमंत्री मोदी इस बात को तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच थोड़ा सा संपर्क हमारी सहयोगी से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामांकन करने के बाद यहां से निकल चुके हैं लेकिन गृह मंत्री के साथ साथ जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो यहां पे मौजूद हैं और यहां के साथ जो इंडिया के घटक दल हैं वो घटक दल के लोग भी यहां पे हैं और लगातार वो घटक दल के लोग अब यहां पे जा रहे हैं। और अब जो गृह मंत्री अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और गृह मंत्री यहां से अब एयरपोर्ट के लिए चले जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री चूंकि रुद्रा सेंटर के लिए गए हैं तो रुद्रा सेंटर के बाद वहां पे संबोधित करेंगे। हमारे साथ जो है यहां पे कुछ लोग मौजूद हैं उनसे हम लोग बात करेंगे चूंकि एनडीए के जो घटक दल हैं एनडीए के घटक दल हैं उनसे। आपने जब राम मंदिर की जो तारीख 22 तारीख का निकाला था तो उसी दौरान प्रधानमंत्री के संपर्क में आए थे, उससे पहले भी तो पहले नहीं तभी आए थे। और हमारे साथ प्रस्तावक हैं आप अपने अभी जो है अभी आपने प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावक बने हैं, क्या कहेंगे सर? अरे राम जी की प्रतिष्ठा हुई है, भारत वर्ष का सब अच्छा अभ्युदय हो यही कामना है। तो सर क्या कोई इसमें आपने राम मंदिर के लिए निकाला था क्या इसमें कि आपने कोई समय निकाला है? हमने नहीं निकाला है। क्या कुछ होने वाला है? अच्छा होगा। तो ये गणेश शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक थे। अनुप्रिया जी हमारे साथ हैं। हमारे सभी एनडीए पार्टनर्स पूरे देश भर में तेलुगु देशम पार्टी के, हमारे उत्तर प्रदेश की भाजपा के, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने अलायंस पार्टनर्स हैं, महाराष्ट्र के हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, पवन कल्याण जी हैं, प्रफुल्ल पटेल जी हैं, सभी लोग शामिल। मैम किस तरह एनडीए जो है वो आप यहाँ पे एक साथ रहे तो किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की है पूर्वांचल में? देखिए आज पूरे देश का 140 करोड़ मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और पूरा देश आज तीसरी बार उनकी सरकार की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। और ये काशी है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से तो ऐतिहासिक परिणाम 4 जून को आने जा रहे हैं और हम सभी एनडीए पार्टनर्स पूरे देश के कोने कोने से आज यहाँ प्रधानमंत्री जी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं क्योंकि हम सबको पूरा विश्वास है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनारस से जीतकर देश के सिरमौर बनने जा रहे हैं। तो अनुप्रिया पटेल की तारीफ की इस बार बड़ी जीत होने जा रही है। आकाशवाणी साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी।
चंद्रबाबू रामगोपाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल से अभी अभी रामगोपाल ने बात की और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों का यहां पर मौजूद होना भी एक बड़ा संदेश यहां से देश की जनता को जाता है और एक एकता के संदेश के साथ साथ प्रधानमंत्री की जीत को लेकर आश्वस्त है तमाम सहयोगी दलों के नेता, खुद प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। उपेंद्र के पास कुछ अपडेट है। उपेंद्र दिखाइए तस्वीर, क्या वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और ये देखिए जो फ्लीट है वो आ गई है। तो तस्वीरों में आपको कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफिला आते यहाँ पर दिखाई देगा। तो तमाम जो फ्लीट से जुड़ी हुई गाड़ी है, अफसरों की, सुरक्षा एजेंसियों की, वो आ गई है। अब ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचने की सीधी तस्वीर है ये देखिए। और अब यानी कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए। अब यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को। तो ये देखिए आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अंदर गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। तो ये मीटिंग काफी अहम है चुनाव को लिहाज से, वाराणसी चुनाव को लिहाज से, पूर्वांचल के चुनाव को लिहाज से और जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो चुनाव अभी बाकी है, पांचवे छठवे पार का नारा दिए हैं प्रधानमंत्री जी, वो मिलेगा? वो हम लोग आसानी से पार कर लेंगे। हमारे साथ इस तो चाचा भी यहाँ पे थे, तो चाचा इंडिया के हिस्सा है, चिराग भी ये तो वही बताएंगे। पर जिस तरीके से हम लोग पूरे गठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ आए, ये हम लोग की ताकत, शक्ति प्रदर्शन थी क्या? शक्ति प्रदर्शन नहीं, मेरे प्रधानमंत्री के प्रति समर्थन, मेरे प्रधानमंत्री के प्रति समर्थन। तो चिराग पासवान का कहना है कि उनका प्रधानमंत्री के प्रति समर्थन था, हालांकि चाचा के मुद्दे पे उन्होंने कुछ। और यहाँ से अब आपको कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे और उसके बाद जितने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग है वो सभी अंदर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर अंदर पहुंच गए हैं और वहां से पहुंचने के बाद अब ये मीटिंग शुरू होने जा रही है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि ये जो मीटिंग है ये कई लिहाज से, संगठन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, उनके व्यवहार में झलक रहा है और उनके चेहरे पे एक रौनक और चमक थी और विशेष ऊर्जा थी। हम सब लोग उसके आड़ी नीचे करिए, नामांकन में शामिल हुए, हमारे लिए सौभाग्य। तूफान आने वाला है, तूफान के कुछ संकेत होते होंगे, मौसम के वैज्ञानिक तो इतने बहुत, आप भी हो राजनीति के, मैं भी हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। और इस चुनाव में कहीं कोई नाराजगी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उनके पक्ष में माहौल है। तो पश्चिमी यूपी को कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ सारा चल रहा है? पश्चिमी यूपी तो देश के साथ है। थैंक यू। हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं। सर आज जो पूरा एनडीए रहा, एनडीए एकजुट रहा, इस पे क्या कहेंगे? एकजुट रहा, एकजुट है और एकजुट रहेगा। क्या यह शक्ति प्रदर्शन था एनडीए का? वनलाइनर का जमाना है, दे दिया आपको। ये सर क्या एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, यह बनारस के लोगों का आशीर्वाद लेने यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और हमारे लिए सौभाग्य है कि देश के अलग अलग कोनों से, राज्यों से सब नेता यहाँ मौजूद हैं। पूरा एनडीए एक मत है और हम सब लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं कि देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो जयंत चौधरी जी का कहना है कि देश को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए वो पूरी ताकत लगा रखे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 काशी। तो देख रहे हैं आप लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पॉइंट्स पर मौजूद हैं और उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है और कुछ ही मिनटों में वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। उपेंद्र, क्या हलचल बड़ी हुई वहां पर नजर आई, क्या दिख रहा है अभी आपको इस वक्त, कोई अपडेट मिली हो? कितनी देर में प्रधानमंत्री का काफिला यहां तक पहुंच जाएगा और दूरी कितनी है कलेक्ट्रेट से लेकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की? उपेंद्र, देखिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से कलेक्ट्रेट की दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन अब फिलहाल आधी दूर तक ये काफिला आ गया है और अब कुछ ही मिनटों में आपको तस्वीर दिखाई देगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस रास्ते से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है पहुंच जाएंगे। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचने के बाद यहां पर मीटिंग शुरू हो जाएगी। बताया कि भाई कांग्रेस पार्टी होने वाली है हार, क्यों नहीं हम करेंगे 400 पार? केजरीवाल हो जाना चाहिए उनको 75 साल पर, 75 साल पर रिटायरमेंट की। गृहमंत्री अमित शाह के भी आने का कार्यक्रम, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इस मीटिंग में पहुंच जाएंगे, सामने से आपको तस्वीर दिखाई देगी।
तो रूट जीरो करा लिया गया है और माना जा रहा है कि कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अपने इस कार्यक्रम में, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं, बीजेपी के शक्ति केंद्र के जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, बूथ के प्रभारी जो है वो मौजूद हैं, तो जो तमाम सारे चुनाव जुड़े हुए इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता होते हैं, जो अहम कार्यकर्ता होते हैं, उनको सभी को यहाँ बुलाया गया और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे। तो फिलहाल अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और तस्वीरों के जरिए ये हम समझाएंगे भी कि ये जो मीटिंग होने जा रही है प्रधानमंत्री की, ये कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अहम है, जिस तरीके से आज इन्होंने दिन की शुरुआत की सबसे पहले। वट एवर आई कुड ब्रिंग इट टू दिस एंड वट एवर सपोर्ट एंड दिस इज दिस द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हिच इट रिफ्लेक्ट्स ऑल ऑफ अस केम टुगेदर एंड वी कुड सी इट्स नॉट ऑफ टुडे सिंस 2014 वी हैड बीन All of us would been saying this that he would be the third time he should hold the position of the Prime Minister, which he is doing. महायुति है, एनडीए का जो गठबंधन है मोदी जी के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र में हमारी तीनों एनसीपी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई का जो गठबंधन है, ये सशक्त गठबंधन है और उसमें बहुत अच्छे तरह से हमारी शानदार विजय महाराष्ट्र में भी होगी और देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी, 4 जून को जश्न मनाएगी। तो प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि 4 जून को एक वो देश में जश्न मनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति बहुत अच्छा काम कर रही है। अगले पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 काशी। और ये 3 तस्वीरें एक बार देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी जब नामांकन भरने के लिए पहुंचे कलेक्ट्रेट, उस दौरान की तस्वीर आप देखिए और जो शक्ति प्रदर्शन है एनडीए का वो दूसरी तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि तमाम बड़े नेता, एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ नजर आए। और ये देखिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, उपेंद्र पहुंच गया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, प्रधानमंत्री का काफिला। बिल्कुल, देखिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, दोनों ओर से बीजेपी के सड़क पर खड़े हुए जो लोग हैं वो हाथ लाके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री गाड़ी अब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अंदर जाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी पहले से ही पहुंच गए हैं, तो अब यहां पर मीटिंग शुरू होने जा रही है। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसकी मीटिंग की चर्चा हो रही थी वो मीटिंग भी अब शुरू होने जा रही है, तो यानी कि आज जो नामांकन वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में ये अंतिम कार्यक्रम माना जा रहा है और ये इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री का अभी फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। नामांकन भरने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होंगे और आज उनको जीत का मंत्र देंगे, साथ ही साथ 5वें, 6वें और 7वें चरण के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। इस लिहाज से अब प्रधानमंत्री का ये संबोधन, ये बैठक शुरू होने जा रही है और दोनों तरफ आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने पहुंचे हैं। यहाँ पर आप ये देखिए जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने पहुंचे हैं, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि कितना उत्साह है और किस तरीके से वो देखने आए हैं। तो आप लोग प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, कितनी महत्वपूर्ण है ये मीटिंग आज आप लोगों के लिए, कितना जीत का जो मंत्र है प्रधानमंत्री की ओर से, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, जीत का कोई मंत्र का यहाँ सवाल ही नहीं है। मोदी जी यहाँ नहीं भी आएंगे तो भी काशी की जनता उनके साथ हमेशा तत्पर खड़ी है। ये तो उनका बहुत बड़प्पन है कि वो आके हम लोगों के बीच में अपना समय, इतनी व्यस्तता में भी अपनी समय व्यतीत कर रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है। वो आए या नहीं आए, काशी की जनता उनके साथ है, काशी की जनता उनके साथ है एकदम भैया, एकदम 400 पार है यदि भाई। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी पहुंच गए हैं और अब यहां पर कुछ ही देर में पीएम मोदी का संबोधन शुरू होने जा रहा है। तो संबोधन शुरू होने जा रहा है, हमारे सहयोगी ने भी बोला, और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, फिलहाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीर पहली आप देख रहे हैं, दूसरी कलेक्ट्रेट की तस्वीर है जब पीएम मोदी नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे, और तीसरी तस्वीर एक शक्ति प्रदर्शन की, एनडीए के तमाम सहयोगी दल यहां पर मौजूद। सबसे बड़ा नामांकन आज भर लिया गया है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नामांकन भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मां गंगा का पूजन भी किया गया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, नामांकन भरा और अब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, जहां पर उनका संबोधन होगा। कुछ ही मिनटों में वो संबोधन हम आपको दिखाएंगे।